बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का हम विरोध कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना देश विरोधी योजना है। ये योजना इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात है। ये योजना इस देश के नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ है। ये इसलिए है कि आप मुझे बताइए कि आप अस्थायी सेवा को हटा करके 4 साल क्यों करना चाहते हैं। एमपी बनता है 5 साल के लिए, विधायक बनता है 5 साल के लिए, मुखिया बनता है 5 साल के लिए, सेना का नौकरी 4 साल के लिए क्यों, 5 साल के लिए क्यों नहीं? ये सवाल आप सोचिए। 5 साल के लिए इसलिए नहीं कि इस देश में एक एक्ट बना हुआ है, ग्रेच्युटी एक्ट, मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के हक के लिए कानून बने हुए हैं कि अगर आप 5 साल नौकरी करेंगे, 5 साल सेवा देंगे तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। 4 साल ये अपने आप नहीं हो गया है तो 4 साल ही क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 2 साल क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं, 10 साल क्यों नहीं, 4 साल ही क्यों है? 4 साल इसलिए है कि जो सुविधाएं हमारी आर्म फोर्सेस को दी जाती थी वो सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और आप याद कीजिए, जब सरकार के द्वारा घोषणा की गई तो उस घोषणा के बाद ये नहीं बताया गया कि आपको टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे मजेदार बात, सरकार ने अपनी घोषणा में कहा कि हम 4 लोग को देंगे, 1 को रखेंगे और 3 को वापस भेजेंगे। ये बताइए कि 1 को जो रखिएगा वो किस आधार पर रखिएगा और 3 को जो वापस भेजिएगा तो किस आधार पर भेजिएगा, उसका क्या आधार होगा? और जिसको आप रख लीजिएगा उसको तो नौकरी मिलेगी,